हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टार्ट एकेडमी। तो आज हम इस दोनों प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और इसके बेस पर हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, ये मेरा जो प्रॉपर्टीज है, आपको ए से लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक। उसके बाद इसका क्या निकल के आएगा मेरा पार्ट फोर, मेरा प्रॉपर्टी जो वो क्या कहता है कि अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक, तो हमें क्या करना है कि एक्स में ये दोनों जोड़ करके इसको क्या करना है, माइनस करना है एक्स में, ठीक है। जैसे ए प्लस बी, इसको क्या क्या मतलब, ए प्लस बी में हमको माइनस एक्स करना है, इस बात को, एक्स में माइनस नहीं करना है, ए प्लस बी में माइनस एक्स करना है, ठीक। फिर इसी तरह से क्या किया, देखिए जीरो प्लस ए जोड़ेंगे तो मेरा सिर्फ ए होगा, तो हम इसको भी क्या करेंगे, ए में माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम वही काम कर रहे हैं, इन दोनों जोड़ करके इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस एक्स कर रहे हैं और इसमें भी माइनस एक्स कर रहे हैं, तो मेरा दोनों फॉर्मूला मेरा सेम हुआ। इसी का पार्टिकुलर केस ये है। अब देखिए, इसके बेस पर क्वेश्चन आपको लेते हैं और समझाते हैं। तो देखिए, अब इस तरह कोई क्वेश्चन लिए हैं, आई इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू कॉस पावर फाइव एक्स फिर कॉस पावर फाइव एक्स प्लस साइन फाइव एक्स। तो हम अभी इसका पार्टिकुलर केस वाला बात करेंगे यहाँ पर, कि मेरा लिमिट होता है यहाँ से जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। तो फिर इसको हम कैसे सोल्यूशन करते हैं कि इसको इसको जोड़ करके इसमें क्या करना है, हमको माइनस एक्स करना है। इस तरह से हम कहाँ से क्या लिखेंगे, जीरो से ए और एफ, जीरो प्लस ए जोड़ेंगे क्या होगा ए, तो ए माइनस एक्स करना, यानी कि हमको इसमें माइनस एक्स करना है, ये वाला एक्स को, ठीक है। तो इसी पर हम अभी जितना भी क्वेश्चन लेंगे सब इसी प्रॉपर्टी के आधार पर लेंगे, उसके बाद ए और बी वाला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। जो इसमें देने थे फोर और मेरा फाइव, ये तो फाइव वाला है, उसके बाद इसको करने वाले हम फाइव वाला भी देखेंगे, फोर वाले भी देखेंगे, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन दोनों एक ही है। देखिए जीरो और फाइव टू को, जीरो और फाइव बाई टू को हम जोड़ेंगे तो हमको क्या, फाइव बाई टू आएगा। तो हम इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं और हम क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू और कॉस पाई बाई टू, अब माइनस एक्स करेंगे इसमें, फिर कॉस, फिर प्लस, इसमें भी हम पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे और यहां पर क्या लगा हुआ है, डीएक्स। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन पावर 5 एक्स होगा और यहां पर क्या होगा, ये साइन पावर 5 एक्स प्लस कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो कॉस 5 एक्स, कॉस पावर 5 एक्स, और ये इक्वेशन मेरा क्या है, टू। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को हम ऐड करेंगे, ये क्या होगा, आई प्लस आई टू आई, यहाँ लिखते हैं एडिंग फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। तो आई प्लस आई मेरा क्या हो जाएगा, टू आई, और लिमिट कहाँ है, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू। अब देखिए ये इस साइड वाली तो हम जोड़ दिए, तो हमको इस साइड वाले, इस साइड वाले दोनों जोड़ना है, तो क्या ये कॉस पावर 5x और नीचे में क्या है, कॉस पावर 5x प्लस साइन पावर 5x फिर प्लस साइन पावर 5x और क्या है यहाँ पर, फिर नीचे में साइन पावर 5x फिर प्लस कॉस पावर 5x और यहाँ पर क्या है, इधर डीएक्स लगा हुआ है। देखिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों एलसीएम मेरा समान है, तो यहाँ क्या होगा, टू आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू, जब एलसीएम समान तो ऊपर वाला हम डायरेक्ट लिखते हैं प्लस करके, कॉस पावर क्या आ जाएगा 5x प्लस फिर साइन पावर 5x और नीचे भी यही टर्म्स आएगा, और यहाँ पर मेरा डी एक्स लगा हुआ है। अब देखिए मेरा ये दोनों ऊपर वाला सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा तो वन आएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, टू आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वन, वन इंटू डी एक्स, वन या डी एक्स, मतलब वन मल्टीप्लाई डी एक्स क्या होगा, डी एक्स ही होगा। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। तो टू आई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, एक्स का जीरो से पाई बाई टू, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, फिर लिमिट कितना, जीरो से पाई बाई टू, फिर देखिए पाई बाई टू इसमें डालेंगे, फिर यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से टू आई पाई बाई टू माइनस जीरो,
फिर इसको नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये टू यहाँ पर आएगा तो क्या वाई इक्वल टू फाइव वाई फोर आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका एक ट्रिक्स क्या है कि आपको ये चेक करना, अगर कोई जीरो से पाई बाई टू इस तरह से है तो उसको आपको शॉर्ट ट्रिक्स में मतलब कैसे निकालना है, यहाँ तक आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे, इसको क्लीन कर दे रहे हैं। अगर आपको कहीं लिमिट दिखे जीरो से पाई बाई टू इस तरह से, ठीक है, तो आपको चेक क्या करना है यहाँ पर कि आई इक्वल टू लिखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है टू माइनस और लोअर लिमिट जीरो, बटे क्या करना है टू, तो पाई बाई टू फिर माइनस कोई काम नहीं है जीरो का, तो पाई बाई टू फिर गुना टू हो जाएगा पाई बाई फोर। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं चेक करने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए पर्पज है ये, पर्पज मतलब ये चेक करने के लिए ही ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बोर्ड में जाइए बस ये वाला लिख दीजिए, नंबर आपको मिलने वाला है नहीं, तो आप इस तरह से आप बनाए जिस तरह से हम इसको सॉल्व किए थे, ये सिर्फ मतलब चेक करने का पर्पज है ये इस तरह से। उसके बाद आगे का जो मेरा क्वेश्चन है, देखिए अपना क्वेश्चन क्या है, जीरो से पावर बाई टू वन डिवाइडेड वन प्लस टेन पावर एन एक्स है इस तरह है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम क्या करते हैं कि टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो आई इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं जीरो से पावर बाई टू वन प्लस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन पावर एन बटा कॉस पावर एन, और यहाँ पर क्या है डी एक्स, फिर यहाँ एल सी एम लेंगे ये कॉस पावर यहाँ एन चलेगा, फिर यहाँ यहाँ ये यहाँ पर आ जाएगा जीरो से पाई बाई टू। देखिए ये ऊपर नहीं तो इसको लिख ही लीजिए वन डिवाइडेड कॉस और एन एक्स प्लस फिर साइन पावर एन एक्स डिवाइडेड क्या नीचे में एल सी एम लेंगे इतना आएगा, अब ये ऊपर चल जाएगा मेरा जीरो से पाई बाई टू कॉस पावर एन एक्स, उसके बाद नीचे में क्या है कॉस पावर एन फिर यहाँ पर एक्स फिर प्लस साइन पावर एन फिर यहाँ एक्स और यहाँ पर डी एक्स लगा हुआ है। फिर से वही कम करना है हमको, ये जो लिमिट है और सब में डालना है पाई बाई टू माइनस एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स सभी जगह करना है। ठीक है, इसको भी इक्वेशन वन मानते हैं, लिखते हैं आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू तो कॉस पावर एन तो पाई बाई टू माइनस एक्स जितना भी है यहाँ पर सिर्फ जीरो से पाई बाई टू सब में क्या करेंगे हम माइनस एक्स करेंगे, फिर यहाँ पर क्या है कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स फिर प्लस फिर साइन पावर एन पाई बाई टू माइनस एक्स और यहाँ पर क्या है डी एक्स है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा पाई बाई टू मतलब क्या 90, तो चलिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन पावर एन एक्स हो जाएगा। आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू साइन तो पावर एन डी एक्स, फिर क्या होगा यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा और ऊपर में क्या है एन, तो साइन पर पावर क्या होगा एन एक्स, फिर प्लस देखिए साइन पावर एन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा और उस पर पावर क्या है एन कॉस एन एक्स और यहाँ पर क्या है डी एक्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा इक्वेशन टू है, ये वैल्यू देखो तो हम इतना ला लिया है, अब वन और टू क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो लिखेंगे एडिंग फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, अब दोनों को ऐड करेंगे आई प्लस आई क्या हो जाएगा टू, यानी कि लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे तो राइट साइड में जोड़ना पड़ेगा, आई प्लस आई क्या होगा टू आई और लिमिट में कौन से देखिए दोनों लिमिट सेम है तो जीरो से पाई बाई टू, उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे फिर इसमें क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, तो कॉस पावर एन लिखते हैं पहले कॉस पावर एन एक्स फिर नीचे में भी कॉस पावर एन एक्स है फिर प्लस साइन पावर एन एक्स फिर प्लस है और यहाँ पर देख लीजिए ये वाला मेरा साइन पावर एन एक्स फिर डिवाइड में क्या है साइन पावर एन एक्स फिर प्लस और कॉस पावर यहाँ पर एन एक्स,
और यहाँ पर मेरा डी एक्स लगा हुआ है, देखिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे, ये दोनों समान है क्या? देखिए लाइक फ्रैक्शन, ये क्या है मेरा लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या है, अगर 1/2 + 3/2 है, देखिए ये दोनों समान है तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा, फिर ऊपर में जो है 1 और 3 इसको दोनों क्या करना है, जोड़ देना है, तो वही बात है यहाँ पर, ये दोनों मेरा क्या समान है, इस दोनों को हमको लिख लेते हैं एलसीएम, मेरा सेम एलसीएम आएगा, यहाँ पर लिखते हैं 2i = 0 से π/2, उसके बाद देख लीजिए cos(nx) फिर प्लस फिर sin(nx), फिर नीचे में तो वही सेम है cos(nx) + sin(nx), क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे उसके इसका एलसीएम सेम आएगा, और ऊपर में उसको दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और देखिए ये दोनों जा रहा है, जाने वाले हम क्या रुकते हैं, नहीं रुकते हैं, अब यहाँ पर क्या हो जाए 1, तो 1 × dx क्या होगा, dx, यहाँ पर इसको हम फिर से लिख सकते हैं 2i = 0 से π/2 dx, इसको आप और लिख सकते हैं यहाँ पर x, यहाँ π/2 है, 0 से π/2, इसका पूरा वैल्यू क्या होगा π/2, इसमें वैल्यू डालेंगे एक बार π/2 और फिर माइनस 0 आ जाएगी, लोअर लिमिट डालेंगे तो 2i = ऐसा लिख सकते हैं π/2, एक बार अपर लिमिट डालेंगे फिर माइनस 0, तो 0 कोई कम नहीं है, इसको यहाँ पर यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, तो i = मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो π/2 क्या हो जाएगा 4, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है 0 से π/2 और 10^(nx) फिर 1 + 10^(nx) है, इसमें वही काम करना है, वो क्या करना है 0 से π/2, फिर 0 है यहाँ पर, 0 + π/2 करेंगे क्या होगा π/2 होगा, हमको π/2 - x फिर π/2 - x करना है इस तरह से, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन i = मेरा क्या हो जाएगा 0 से π/2। देखिए आप बोर्ड में इस तरह से लिख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर आप जो मान लीजिए हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ से हमको पहले क्या करना है, पहले प्रॉपर्टीज लिख लेना है, हम कौन सा प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, 0 से a है और ये मेरा fx है यहाँ पर, और यहाँ पर dx, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज क्या क्या करेगा, यहाँ पर 0 से a f और a में -x होगा और dx, तो इस प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसको, ठीक है, तब फिर इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, i = क्या करेंगे 0 से π/2 है, फिर 10^(n), इसमें π/2 - x करेंगे, फिर 1 + 10^(n), फिर इसमें भी π/2 - x और dx, और इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, और देखिए i = क्या होगा 0 से π/2, ये क्या होगा 10 90° - θ क्या होता है cot θ, तो cot(n)x 1 + ये क्या होगा cot(n)x dx। देखिए इसको लेकर हम इतना तक ला दिए हैं, जैसे ही वैल्यू डालेंगे मैं फिर यहाँ जो इसको वैल्यू आएगा उसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, तो लिखते हैं एडिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, तो यहाँ देखिए i + i क्या हो जाएगा मेरा 2i, ठीक, उसके बाद 0 से कौन तक है π/2, फिर हम बड़ी कोष लगाएंगे, फिर 10^(nx), फिर 1 + 10^(x), परिवार आपको उसके बाद देख लीजिए, फिर प्लस है, अब यहाँ पर क्या है cot(n)(nx), फिर प्लस में यहाँ पर क्या है 1 + देखिए इसको एक इसको एक बार लिखे 1 को 10^(nx), फिर 1 + 10^(nx), उसके बाद फिर इसको लिखना है cot वाले को, तो cot(n)(x) लिखे, फिर 1 + क्या है यहाँ पर cot(n)(x), इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो एलसीएम लगे यहाँ पर तो मेरा समान नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से साइन कोस में बदलेंगे, यही हम गलती किए थे, अगर यहाँ पर हम साइन कोस में बदल लेते तो हमको फिर प्रॉब्लम नहीं होता, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आ गए हैं तो इसको हम साइन कोस में बदल लेते हैं सारे टर्म्स को, तो यहाँ पर क्या है 2i, ठीक है 0 से π/2,
देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पावर n, फिर x, फिर इसको क्या लिखेंगे, cos ऑफ पावर nx, फिर 1 प्लस, ये बड़ा सा आएगा 1 प्लस, फिर साइन ऑफ पावर n cos, फिर cos पावर nx, फिर प्लस, उसके बाद फिर इसको भी क्या करेंगे, cos पावर nx, फिर साइन ऑफ पावर nx, फिर ये मैंने बताया मेरा, उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos ऑफ पावर nx, फिर साइन पावर nx, और यहाँ पर मेरा dx लगेगा। आप ये देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर cos पावर nx है, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो cos पावर nx, फिर यहाँ पर आएगा ये cos पावर nx, फिर प्लस साइन पावर nx होगा। तो मैं ये और ये कर रहा है, इसको और लिखते हैं एक बार, 2i इक्वल टू क्या होगा, 0 से पाई बाय 2। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन पावर एन एक्स बटा कॉस पावर एन एक्स, बटा में क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस पावर एन एक्स, फिर प्लस साइन पावर एन एक्स, फिर बटा में इस बटा को आप ऐसे लिखिए, कॉस पावर एन एक्स, फिर प्लस। अब देखिए फिर इसको भी इस तरह से लिखेंगे, कॉस पावर क्या है, एन एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन और पावर एक्स, वो पावर में एन होगा, फिर यहाँ में बटा होगा, और यहाँ पर क्या इसका एलसीएम लेंगे, तो साइन पावर एन एक्स, फिर प्लस क्या होगा, कॉस पावर एन, और यहाँ पर एक्स, फिर बटा नीचे में क्या होगा, साइन पावर एन एक्स। और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या dx है, और ये sin x, ये sin x कटेगा, और ये cos पावर nx, और ये cos पावर nx कटेगा, मेरा यहाँ पर क्या बच रहा है, 0 से पाई बाय 2 sin पावर nx, फिर नीचे में क्या है, cos पावर nx प्लस sin पावर nx, और प्लस है यहाँ पर, उसके बाद ऊपर में क्या है, cos पावर nx, फिर नीचे में क्या है, sin पावर nx प्लस cos पावर nx dx, इस तरह से है। देखिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे, ये तो सेम आ जाएगा वैल्यू, तो इसका कट कितना हो जाएगा, 1, इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 इंटू dx, ठीक है, फिर 2i बराबर यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाय 2, क्योंकि x होगा, और फिर उसमें लोअर में डालेंगे तो पाई बाय 2 आएगा, फिर i से यहाँ किसका वैल्यू निकल जाएगा, ये 2 यहाँ पर आएगा पाई बाय 4, नोट कर लीजिए इसको। आप इस दोनों क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम ये 5 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन को हम बताए थे 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें हम डायरेक्टली हम कर लिए थे। आप जहां कभी देखिए 1 प्लस में 10 या कोड लगा हुआ है, उसको पहले साइन कोसाइन बदल लीजिए, उसके बाद कीजिए, ठीक है। इसको आप देखिए यहाँ पर क्या, ये पूरा ये 1 प्लस करके नहीं है, ये पूरा 10 कोट और 10 में, इसको आप डायरेक्ट 0 से पाई बाय 2 इसमें वैल्यू दीजिएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स कीजिएगा, तो ये खुद ब खुद जो है 10 पावर x प्लस कोट पावर x, फिर नीचे में भी वही टर्म्स आ जाएगा, दोनों कैसे वाले उसको तोड़ दीजिएगा। अब देखिए मेरा पॉइंट में एक क्वेश्चन आता है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, देखिए 0 से a है, इसमें क्या करेंगे हम, a माइनस x करेंगे, प्रॉपर्टी जो लागू करेंगे वो प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि 0 से कोई प्रॉपर्टी f(x) है, और इसको हम कैसे करेंगे, 0 से a, और a में क्या करेंगे हम, a माइनस x करेंगे, इस तरह से इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए 0 से a है, i इक्वल टू यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 से a रूट a माइनस एक्स, फिर यहाँ पर भी रूट a माइनस एक्स, फिर प्लस में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a माइनस एक्स है, यहाँ पर हमको a करना है माइनस, फिर a माइनस एक्स करना है, क्योंकि हमको x में लेना है dx, फिर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, i इक्वल टू मेरा क्या है, 0 से a है, देखिए इसको लिखते हैं a माइनस एक्स बटा a माइनस एक्स, फिर रूट से बाहर प्लस, देखिए a माइनस में है ये माइनस, और ये क्या है माइनस a होगा, ये प्लस और माइनस a कट जाएगा, ये माइनस फिर इसको क्या करेगा प्लस कर देगा, तो रूट में x आएगा हमको सिर्फ, और यहाँ पर ये dx है, तो हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2, हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2,
टू, उसके बाद एक, ये क्या होगा, जीरो से ए होगा, उसके बाद रूट एक्स, फिर यहाँ पर क्या है, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, फिर प्लस यहाँ पर क्या है, रूट ए माइनस एक्स, फिर नीचे में फिर प्लस रूट एक्स। यहाँ पर बड़ी कोष लगाइए और यहाँ पर डीएक्स दीजिए। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स है, यहाँ पर रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स है, तो मेरा क्या लाइक फ्रैक्शन है, तो वैसे क्या आएगा, समान वैल्यू आएगा, यही आ जाएगा मेरे फ्रैक्शन में, सॉरी एलसीएम में। तो टू आई जीरो से ए, उसके बाद देख लीजिए यदि ये समान आ रहा है तो वाला को हम ऐड कर लेते हैं, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, फिर डिवाइड में रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। कोई कोई ये मत कर दीजिएगा कि सर रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स इधर है, ये रूट एक्स तो इधर है, इसको कैसे लिखें, प्लस में आप किधर लिख सकते हैं, किधर भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर यहाँ पर डी एक्स है, देखिए दोनों समान है, ये दोनों जा रहा है, इसको हम नहीं रोकेंगे, जान दीजिए कि टू आई इक्वल टू यहाँ पर क्या है, जीरो से ए, और यहाँ पर क्या बचा है, ये कट के वैल्यू वन बचा है, वन इंटू डी एक्स बचा, और देखिए वन इंटू डी एक्स तो क्या होगा, डी एक्स होगा, तो टू आई जीरो से ए और यहाँ पर डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, तो टू आई एक्स जीरो से लिमिट ए, अपर लिमिट डालेंगे ए माइनस, फिर लोअर लिमिट जीरो, तो आई बराबर क्या होगा ए वाई टू, यही मेरा आंसर है। तो अब देखिए यहाँ पर अब जीरो से नाइन है और यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है, ठीक है, क्यूब रूट एक्स, फिर क्यूब रूट एक्स, फिर क्यूब रूट नाइन माइनस एक्स, तो इसको भी इक्वेशन वन मानते हैं। फिर से यहाँ पर वही प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, जीरो से ए वाला और सब में नाइन माइनस एक्स करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं आई इक्वल टू जीरो से नाइन क्यूब रूट नाइन माइनस एक्स, फिर क्यूब रूट नाइन माइनस एक्स, फिर प्लस यहाँ पर देखिए क्यू रूट है, यहाँ पर नाइन है, फिर नाइन माइनस एक्स करेंगे क्योंकि ये नाइन यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर क्या है डी एक्स है, फिर से इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए ये माइनस में नाइन है और ये प्लस में नाइन है, ये कट जाएगा, फिर ये माइनस को क्या करेगा प्लस कर देगा, तो जीरो से नाइन क्यू रूट नाइन माइनस एक्स, फिर प्लस क्यू रूट नाइन माइनस एक्स, फिर प्लस, फिर क्यू रूट क्या है यहाँ पर एक्स हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन दो मान लेते हैं। अब एडिंग फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक, तो एक आई प्लस आई क्या हो जाएगा टू आई, जीरो से कहां तक है नाइन तक, और क्यूब रूट एक्स बाई क्यूब रूट एक्स प्लस क्यूब रूट नाइन माइनस एक्स प्लस है, और फिर यहाँ पर क्या है क्यू रूट नाइन माइनस एक्स, और यहाँ पर क्यू रूट नाइन माइनस एक्स, फिर प्लस में है यहाँ पर क्या क्यू रूट एक्स, और यहाँ पर डीएक्स है। अब देखिए इसका एलसीएम क्या है, दोनों एलसीएम मतलब इसका भी ये समान है और ये समान है, दोनों अगर समान है एलसीएम क्या आ जाएगा, कोई एक आ जाएगा यहाँ पर से, तो यहाँ से क्या लिखेंगे टू आई, ठीक है, तो टू आई लिखने के बाद लिखे यहाँ पर जीरो से नाइन, ठीक, उसके बाद एलसीएम समान है, तो क्या आएगा थ्री रूट सॉरी क्यूब रूट एक्स प्लस फिर क्यूब रूट नाइन एक्स, फिर ऊपर भी वही क्यूब रूट एक्स, फिर प्लस फिर क्यूब रूट क्या है नाइन माइनस एक्स, और यहां पर डी एक्स, ये कट जाएगा ये कट जाएगा वन बचेगा यहां पर, उसके बाद देख लीजिए टू आई इक्वल टू जीरो से नाइन वहां पर वन इंटू डी एक्स, फिर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, तो टू एक्स जीरो से नाइन होगा यहां पर,
उसके बाद देखिए टू, और यहाँ पर क्या ये लोअर लिमिट डालेंगे इसमें, फिर अपर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट डालेंगे उसके बाद लोअर लिमिट डालेंगे, 9 - 0 क्या होगा 9, तो 2i = 9, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 9/2 आंसर। नोट कर लीजिए इसको, देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या 0 से π e to the power cos x e to the power cos x + 50 - cos x, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए cos पाई का वैल्यू -1 होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर वहाँ 0 से π आए तो π - x, फिर सब लोग वही काम करेंगे π - x, इसको यहाँ पर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो i = क्या होगा 0 से π, फिर e to the power cos π - x, फिर प्लस यहाँ पर नीचे में e to the power cos π - x, फिर प्लस e to the power, देखिए यहाँ पर माइनस है पहले से ही, फिर cos π - x, और यहाँ पर dx है, ठीक है। देखिए cos π - x क्या होगा, cos 180° - θ, -cos θ, फिर इस माइनस क्या करेगा प्लस कर देगा, तो i = 0 से π, ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्या होगा e to the power - में cos x, फिर cos 180° - θ - cos θ होता है, और यहाँ पर वही कम होगा e to the power - cos x, फिर प्लस, और यहाँ पर क्या होगा e to the power cos x, और यहाँ पर dx। अब देखिए ये 1 है और ये क्या है 2, इस दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ मेरा क्या आएगा 2i, 2i = 0 से π, ठीक है, और इसको लिखेंगे e to the power cos x, फिर e to the power cos x प्लस e to the power cos - में cos x होगा, फिर यहाँ पर प्लस है, और फिर ये e to the power - cos x, फिर नीचे e to the power - cos x, फिर प्लस e to the power cos x dx, ठीक है। देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा e to the power cos x प्लस e to the power - cos x आ जाएगा, क्योंकि दोनों समान है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2i 0 से π e to the power cos x प्लस e to the power - cos x, फिर नीचे भी वही आ जाएगा क्योंकि एलसीएम समान होगा इसका, ये कट जाएगा, फिर 1 आएगा, तो 2i = 0 से π, फिर 1 into dx, तो dx, और dx का इंटीग्रेशन x, तो 2i = x, फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से π, फिर अपर लिमिट डालेंगे, फिर लोअर लिमिट, 2i - π - 0 होगा यहाँ पर, तो i बराबर क्या हो जाएगी π/2। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, 0 से 2π 1/1 sin e to the power sin x, ठीक है, तो इसको जो हम सॉल्यूशन करेंगे इसको भी वही काम करेंगे, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से वाला, तो 0 से 2π, ठीक, 1 इसको भी इक्वेशन 1 मानते हैं 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + e to the power sin 2π - x dx, ठीक है। तो यहाँ पर sin 2π - x क्या होगा, -sin x होगा, क्योंकि sin 360° - θ और क्या था -sin θ होता है, तो इतना ही कुछ होता है, तो फिर यहाँ i = क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 से 2π 1 + e to the power - sin x, और यहाँ पर dx वो 1, और ये क्या 2, इस दोनों को हम ऐड करेंगे, एडिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 इक्वेशन 2 है, 1 and 2 को ऐड करेंगे तो हमको 2i मिलेगा यहाँ पर, फिर कौन से कौन 0 से 2π, फिर हम इस दोनों को ऐड करते हैं। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर ये जो i है इस i को आप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसको 1, बट अगर कोई e to the power - x है इसको क्या लिख सकते हैं 1/e to the power x लिख सकते हैं, ठीक, उस तरह से इसको भी हम लिखते हैं, मेरा क्या है 0 से 2π, ठीक है, और ये इसको लिखेंगे
वन बटा ई टू द पावर साइन एक्स, ठीक है, देखिए डीएक्स, फिर ये क्या हो जाएगा, जीरो से टू पाई ई टू द पावर साइन एक्स ऊपर चल जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा ई टू द पावर साइन एक्स प्लस में वन, इस तरह होगा। तो उसको हम क्या लिखेंगे, जीरो से टू पाई, ठीक, उसके बाद देखिए ऊपर में क्या ई टू द पावर साइन एक्स, इसको हम कन्वर्ट किए हैं यहाँ पर, तो ई टू द पावर साइन एक्स फिर वन प्लस ई टू द पावर साइन एक्स, ठीक है, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दिए, उसके बाद क्या हो जाएगा देखिए, अब इसको किसी को आप लिख लीजिए, हम इसको लिखे पहले, आप इसको लिख लीजिए, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे वन बटन ई टू द पावर साइन एक्स और यहाँ पर डीएक्स, ठीक है। अब देखिए एलसीएम आ जाएगा इसका ई टू द पावर वन प्लस ई टू द पावर साइन एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर टू आई जीरो से पाई बाय साइन एक्स फिर प्लस में वन फिर ई टू द पावर साइन एक्स फिर प्लस में वन फिर यहाँ पर डीएक्स, ये कट जाएगा वन बचेगा, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं टू आई इक्वल टू जीरो से पाई और डीएक्स आई बराबर टू आई क्या होगा पाई माइनस जीरो, एक्स आएगा इसका यहाँ पर एक्स आएगा तो यहाँ से जीरो से पाई होगा फिर पाई माइनस जीरो, तो क्योंकि ये टू आ यहाँ पर आ जाएगा, ये मेरा आंसर है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जीरो से पाई बाई टू लॉग टेन एक्स है, ठीक है, तो अब इसको मतलब निकालते हैं यहाँ से, फिर से क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मेरा जुड़ी जीरो से ए वाला ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसमें जितना भी जीरो से ए है सब कम सभी जगह वही कम करेंगे, जो यहाँ पर होगा उतना माइनस एक्स ऑलवेज टाइम ये कम करेंगे, तो जीरो से पाई बाई टू लॉग, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, लॉग टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ पर डी एक्स है, अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू फिर लॉग टेन नाइनटी डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा कॉट एक्स और यहाँ पर डी एक्स, इक्वेशन वन इक्वेशन टू एडिंग फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, उसके बाद ये क्या हो जाएगा टू आ जाएगा ये और जीरो से पाई बाई टू, देखिए ऊपर में क्या लॉग टेन एक्स फिर प्लस में क्या है लॉग कॉट एक्स और यहाँ पर डी एक्स है, ठीक है। अब देखिए लॉग एम ये किस रूप में है, ये लॉग लॉग एम प्लस लॉग एन, इसको लॉग एम प्लस लॉग एन को इस तरह लिख सकते हैं लॉग एम इंटू एन, उसी तरह ये है, इसको हम क्या लिखें यहाँ पर देखिए टू आई जीरो से पाई बाई टू लॉग टेन एक्स इंटू कॉट एक्स और यहाँ पर डी एक्स है, देखिए टेन टू कॉट क्या होता है वन होता है, बोले कैसे देखिए टेन इंटू कॉट एक्स है मेरा, तो टेन को उल्टा क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉट, क्योंकि वन बाई कॉट ही टेन होता है इंटू फिर कॉट एक्स कट के क्या मिले वन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टू आई जीरो से कौन तक पाई बाई टू फिर लॉग वन, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए लॉग वन का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, तो टू इंटू जीरो मल्टीप्लाई इतना तो जीरो ही होगा, तो आई बराबर मेरा क्या हो जाएगा आंसर जीरो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए क्योंकि इस बार पूछा गया था थर्ड सेम में। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है फिर से जीरो से पावर टू साइन टू एक्स लॉग टेन एक्स है, तो इसको भी वही कम करेंगे कि पाई बाई टू माइनस सभी जगह एक्स करेंगे, हम साइन टू एक्स को कुछ नहीं करेंगे, साइन टू एक्स हम कुछ नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर साइन टू एक्स को बोले हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करने का मतलब क्या, यहाँ पर जो टू है टू से आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको करना क्या देख लीजिए आई है फिर जीरो से पाई बाई टू फिर यहाँ पर साइन जो है इसको क्या करना है इस तरह से कोष्ठ से बड़ी कोष्ठ से घेर देना है, ठीक है, बड़ी कोष्ठ लगाने के बाद क्या करेंगे टू फिर यहाँ पर क्या है पाई बाई टू माइनस एक्स करना है, इस तरह से पाई बाई टू माइनस एक्स ऐसे करना है, फिर आपको पता है फिर लॉग में क्या करना है टेन पाई बाई टू माइनस एक्स
और यहाँ पर डी एक्स लगा हुआ है, देखिए। अब दूसरे इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर में, क्या हो ये पाई, फिर माइनस में टू एक्स आ जाएगा, फिर आई इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, जीरो से पाई बाई टू और साइन पाई माइनस टू एक्स, फिर लॉग ये क्या हो जाएगा, नाइन्टी टेन नाइन डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, तो कॉट एक्स इस तरह से। और यहाँ देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो आई इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाई टू साइन टू एक्स, और यहाँ पर क्या है लॉग कॉट एक्स, ये मेरा इक्वेशन वन और ये इक्वेशन मेरा टू। ये इक्वेशन वन और टू क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, एडिंग फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ठीक है। देखिए आई प्लस आई क्या होगा, टू आई, जीरो से कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से पाई बाई टू साइन टू एक्स, देखिए दोनों में इसको हम कॉमन ले लेते हैं, साइन टू एक्स बचा क्या, लॉग टेन एक्स, लॉग टेन एक्स प्लस लॉग कोट एक्स, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है डी एक्स, देखिए लॉग एम प्लस लॉग एन के रूप में है, तो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर टू आई लिखेंगे, यहाँ पर टू आई, फिर जीरो से पाई बाई टू, फिर यहाँ पर क्या है साइन टू एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं लॉग टेन एक्स इंटू कॉट एक्स, और यहाँ पर क्या है डी एक्स है, टेन एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है वन होता है, तो इसको हम फिर से क्या लिखेंगे, टू आई जीरो से पाई बाई टू फिर साइन टू एक्स इंटू लॉग वन। अब देखिए यहाँ पर आप लॉग वन का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो होगा तो ये पूरा टर्म्स को ही जीरो कर देगा, तो टू आई इक्वल टू क्या होगा जीरो, फिर आई बराबर यहाँ पर जीरो मेरा आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मेरा क्या जीरो से इनफाइनाइट गया है और लॉग एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट क्या करेंगे, एक्स बराबर टेन थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स का क्या होगा, इसको एक्स रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स का डी एक्स, फिर टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर डी थीटा, ठीक है। तो इसको हम फिर से लिखते हैं यहाँ पर आई इक्वल टू, और एक चीज़ देख लीजिए जब हम इसको थीटा के रूप में कन्वर्ट किए हैं, इसको भी थीटा के रूप में वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जीरो टू इनफिनिट है, ये मेरा एक्स के रूप में वैल्यू है, ठीक है। यदि मेरा एक्स का वैल्यू जीरो है, यदि एक्स बराबर क्या है जीरो, तो टेन एक्स बराबर अगर यहाँ पर जीरो होगा तो मेरा टेन थीटा वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर एक्स बराबर क्या है टेन थीटा, एक्स बराबर अगर मेरा जीरो होगा जीरो इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा बराबर मेरा क्या वैल्यू होगा टेन वर्स जीरो, तो टेन वर्स जीरो क्या वैल्यू होता है, टेन जीरो का ही वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, तो थीटा बराबर क्या होगा टेन जीरो, थीटा बराबर जीरो ही मेरा वैल्यू होगा, क्योंकि टेन देखिए एक फॉर्मूला यहाँ से आप निकलता है क्या होता है कि यहाँ पर अगर थीटा है, ठीक है, तो थीटा ये टेन इधर आएगा तो टेन वर्स जीरो हो जाएगा, फिर मेरा यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है अगर टेन इनवर्स, अगर इसके अंदर में टेन एक्स है तो ये मेरा एक्स निकल के आ जाता है बाहर, ठीक है। वही काम हम यहाँ पर किए हैं, थीटा इक्वल टू मेरा क्या है टेन वर्स है, फिर यहाँ पर हम टेन जीरो जो किया तो ये मेरा जीरो बाहर आ गया, थीटा बराबर क्या हो जाएगा जीरो। फिर उसके बाद देख लीजिए अगर थीटा बराबर इनफिनाइट रखते हैं, सॉरी एक्स बराबर, ये मेरा एक्स का ही वैल्यू है, एक्स बराबर इनफिनाइट, इनफिनाइट इक्वल टू क्या होगा टेन थीटा, यहाँ पर इनफिनाइट रखेंगे तो टेन थीटा बराबर इनफिनाइट होगा, फिर थीटा इक्वल टू क्या होगा टेन वर्स इनफिनाइट, टेन वर्स इनफिनाइट यहाँ पर थीटा है, और ये जो इनफिनाइट है किसका वैल्यू होता है, यानी कि अनडिफाइंड टेन नाइन्टी का वैल्यू होता है, तो टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू इक्वल टू थीटा, तो थीटा का क्या वैल्यू आया है पाई बाई टू, देखिए एक थीटा का जीरो वैल्यू आया, एक थीटा का पाई बाई टू वैल्यू आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर से आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू, ठीक है, यहाँ पर लॉग टेन थीटा, लॉग टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू, देखिए डी एक्स बराबर मेरा क्या है सेक स्क्वायर थीटा,
sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा, तो आई बराबर जीरो से पाई बाय टू लॉग टेन थीटा बाई sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, एक sec स्क्वायर गया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये आ जाएगा जीरो से पाई बाय टू लॉग टेन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, देखिए इतना आ गया है। तो अब यहाँ पर मैं किस फॉर्म में आ गया, जीरो से पाई बाई टू के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पाई बाई टू माइनस थीटा करेंगे उस तरह से, इसको इक्वेशन वन वन लेते हैं, इसको हम क्लीन कर दें। इसको वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर एक बॉक्स बना सकते हैं, ये जो मेरा है किसका वैल्यू है, देखिए ये मेरा एक्स और ये किसका थीटा वैल्यू है, क्योंकि एक थीटा मान है तो एक्स के फॉर्म में है, तो एक्स का वैल्यू क्या है जीरो और अनडिफाइंड। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू रखा हुआ है जीरो, जब डाले थे यहाँ पर तो मेरा थीटा वैल्यू क्या आया था जीरो, फिर जब इनफिनाइट डाले थे यहाँ पर देखिए तो मेरा थीटा वैल्यू क्या आया था पाई बाई टू। फिर ये बॉक्स में इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम क्या करेंगे, इस जगह लॉग आई जीरो से पाई बाय टू लॉग टेन पाई बाय टू माइनस थीटा और यहाँ पर डी थीटा, टेन नाइनटी माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, आई इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू लॉग कोट थीटा डी थीटा हुआ। यहाँ पर ये इक्वेशन में दो, इस इक्वेशन और इक्वेशन को जोड़ेंगे एडिंग फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ये पे क्या आई प्लस आई टू आई होगा यहाँ पर, फिर जीरो से पाई बाय टू लॉग टेन थीटा प्लस लॉग कॉट थीटा यहाँ पर डी थीटा है, ठीक है। देखिए लॉग एम प्लस एन के रूप में है तो ये क्या आ जाएगा लॉग एम इंटू एन, जीरो से पाई बाय टू लॉग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा वन आएगा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है वन होता है, फिर लॉग वन का वैल्यू क्या आएगा जीरो, तो टू आई बराबर क्या होगा जीरो, तो फिर आई बराबर जीरो, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और इसको हम कुछ दूर तक सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे, ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा डी एक्स, एक्स का डी एक्स, फिर टेन थीटा डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद डी थीटा, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए यहाँ ये पूरा एक्स का वैल्यू मेरे एक्स के वैल्यू के टर्म्स में है, अब इसको हम क्या थीटा वैल्यू में लाना पड़ेगा, तो फिर बॉक्स बनाते हैं, ये मेरा एक्स है और ये क्या थीटा है। अब देखिए यदि यहाँ पर एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो यहाँ पर टेन थीटा है, अगर जीरो रखते हैं तो टेन थीटा, फिर यहाँ किसका वैल्यू जीरो होता है, टेन जीरो का वैल्यू ही जीरो होता है, थीटा बराबर यहाँ से क्या जाएगा जीरो, तो जीरो फिर जीरो, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए फिर यहाँ पर अनडिफाइंड है तो एक्स बराबर अनडिफाइंड, फिर यहाँ पर टेन थीटा है, टेन नाइनटी का वैल्यू क्या होता है अनडिफाइंड होता है, फिर टेन थीटा, फिर यहाँ पर एंगल एंगल में कंपेयर करेंगे थीटा बराबर क्या होगा पाई बाई टू, यहाँ पे अनडिफाइंड रखने के बजाय क्या आया पाई बाय टू, अनडिफाइंड रखे तो थीटा के वैल्यू में आया पाई बाय टू इस तरह से। अब देखिए तो इतना तक आ गया, तो उसको हम फिर से लिखते हैं आई इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू, एक्स वैल्यू क्या रखे हैं टेन थीटा, फिर वन प्लस टेन थीटा, फिर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर क्या आया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, डैट कर देते हैं इसको, उसको काट दिए, बचा क्या इधर जीरो से पाई बाय टू टेन थीटा वाई वन प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखिए पहले वाला सवाल हो गया यहाँ पर टेन थीटा क्या है और वन प्लस टेन थीटा है, इसको क्या करना है साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है, यहाँ तक कर देते हैं आई से आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा फिर वन प्लस
साइन थीटा वाई कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है डी थीटा, उसके बाद आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू, फिर साइन थीटा वाई कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वाई कॉस थीटा। देखिए इस कैल्शियम लेंगे यहाँ पर क्या है कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होगा, ये कॉस थीटा कट जाएगा, फिर आई बराबर क्या हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, फिर साइन थीटा वाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ से मेरा इक्वेशन वन है, आप यहाँ से खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा टर्म्स लाजिए, फिर ये पाई बाई टू वैल्यू इसमें डालेगा, तो पाई बाई टू माइनस थीटा ये कॉस के टर्म्स में आ जाएगा। फिर इस इक्वेशन को फिर दूसरे इक्वेशन जिसमें वैल्यू डालेंगे उस दोनों को हमको ऐड करके यहाँ से आई वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को जीरो से पाई एक्स डिवाइडेड वन प्लस साइन एक्स है, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे फिर वो ये वैल्यू डालेंगे, ये इक्वेशन वन मान लेते हैं इसको, तो आई बराबर क्या होगा जीरो से पाई, फिर यहाँ पर पाई माइनस एक्स, फिर वन प्लस साइन पाई माइनस एक्स और यहाँ पर डी एक्स। फिर से देखते हैं आई इक्वल टू जीरो से पाई, फिर पाई माइनस एक्स, फिर वन प्लस साइन एक्स, और माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, यानी कि साइन एक्स हो जाएगा, फिर डी एक्स, ये वन और टू हो गया, ये वन प्लस टू क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो मेरा टू आई होगा यहाँ पर, डायरेक्ट हम लिखे यहाँ पर एडिंग फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा टू आई जीरो से पाई एक्स बटा वन प्लस साइन एक्स, फिर प्लस, फिर पाई माइनस क्या है वन प्लस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है सेम इसका वैल्यू है, मतलब सेम है, तो वन प्लस साइन एक्स को ये कहा जाएगा, तो टू आई जीरो से पाई, फिर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, फिर वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा टू आई इक्वल टू, देखिए ये माइनस एक्स प्लस कट जाएगा जीरो से पाई, तो इसको यहाँ पर हम पाई लिख लेते हैं, और यहाँ पर वन बटे वन प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ पर डी एक्स लगा हुआ है, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम टू आई इक्वल टू पाई इंटू जीरो से पाई, ठीक, और वन प्लस वन, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टू टेन एक्स वाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स, ठीक है। फिर ये वन प्लस टेन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो टू आई इक्वल टू क्या होगा पाई जीरो से पाई, फिर ये ऊपर आएगा यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर एक्स वाई टू, और इसके बाद यहाँ पर ये भी आएगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस फिर क्या होगा टू टेन एक्स वाई टू, ये वाला टर्म्स, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है डी एक्स है। अब यहाँ पर देखिए हम टेन एक्स बराबर लेट करते हैं जेड, टेन एक्स वाई टू इक्वल टू जेड, यहाँ से जिसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू फिर वन बाई टू इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। इसको नोट कर लीजिए, इसको हम क्लीन करने वाले हैं थोड़ा सा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर तुम कर लिए इतना कम, हमको ये पूरा ये किसी x के टर्म्स में ये वैल्यू है, अब हमको z के टर्म्स में वैल्यू लाना है। देखिए x बराबर जीरो है तो यहाँ पर जीरो रखेंगे, तो tan जीरो डिग्री की वैल्यू कितना होता है, tan जीरो डिग्री वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, जेड बराबर क्या आ जाएगा जीरो। फिर अगर हम tan पाई बाई टू रखें तो tan नब्बे डिग्री वैल्यू क्या होता है अनडिफाइंड होता है, जेड बराबर क्या होगा अनडिफाइंड, हमको फिर कौन सा चलना है जीरो से अनडिफाइंड तक, तो आई बराबर सॉरी टू आई क्या होगा जीरो से अनडिफाइंड, फिर यहाँ पर पाया है, और देखिए यहाँ पर वन प्लस टेन एक्स बाई टू क्या मान है जेड, वन प्लस जेड स्क्वायर फिर टू इंटू जेड, फिर ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स ये टू इधर आएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा टू डी जेड, ये टू इधर आ जाएगा तो टू डी जेड, लिख लिए इतना तक। चलिए पाई इंटू जीरो से अनडिफाइंड
इसको जीरो से जेड स्क्वायर प्लस टू इंटू जेड प्लस वन, और यहाँ पर देखिए ये टू इधर आ जाएगा तो पाई बाई सॉरी टू पाई हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर तो हम करेंगे क्या कि टू आई इक्वल टू टू पाई, देखिए ये टू पाई ये टू कर रहा है क्या, तो भाई यहाँ से आई इक्वल टू सिर्फ पाई बचेगा इसके अंदर, और जीरो से अनडिफाइंड इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस टू इन टू जेड इंटू वन, क्योंकि टू जेड फिर मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो इतना ही आएगा मेरा, फिर एक बार बी को क्या करते हैं वन स्क्वायर, फिर एक बार माइनस में एक बार प्लस में फिर एक्स्ट्रा में प्लस वन, तो हाई, और यहाँ पर डी जेड, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा पाई, फिर जीरो से अनडिफाइंड, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं जेड प्लस वन स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इतना लिख लिए, अब यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर एक माइनस वन का स्क्वायर एक प्लस वन का स्क्वायर है, मतलब ये क्या हुआ कट जाएगा, इसका हमको कोई काम नहीं है। चलिए तो यहाँ पर क्या बचा है डी जेड है, देखिए ये किसका स्क्वायर है एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं ऊपर भी ला सकते हैं आई बराबर पाई इंटू जीरो से अनडिफाइंड जेड प्लस वन पर पावर माइनस टू, इसको आप इस तरह किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, जैसे एक्स पावर एन है तो एक्स पावर एन प्लस वन बट एन प्लस वन करते हैं, इस तरह से इसमें क्या करना है प्लस वन और माइनस वन करना है, यहाँ पर डी जेड पाई जेड प्लस वन और पावर माइनस टू प्लस वन, फिर माइनस टू प्लस वन, फिर यहाँ पर जीरो से डिफाइंड, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं, माइनस टू प्लस वन कितना होगा माइनस वन, तो यहाँ पर क्या माइनस पाई लिख लेते हैं आई इक्वल टू माइनस पाई, उसके बाद देख लीजिए जेड प्लस वन पावर क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, तो वन बाई माइनस जेड प्लस वन सॉरी मतलब ये पावर पर यहाँ पर माइनस वन होगा तो ये पूरी नीचे में आ जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पर जीरो यहाँ पर अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा ये माइनस पाई, एक बार क्या होगा वन बाई इनफिनाइट प्लस वन, फिर माइनस करेंगे वन बटे जीरो प्लस वन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अगर यहाँ माइनस पाई है, अगर कोई भी चीज इनफिनाइट में जोड़ते हैं तो इनफिनाइट ही आता है, तो आई इक्वल टू माइनस पाई इनफिनाइट प्लस वन इनफिनाइट, तो वन बटे इनफिनाइट होगा, फिर माइनस यहाँ पर वन बाई वन क्या होगा वन, जीरो प्लस वन क्या होता है वन, वन बाई इनफिनाइट जीरो होता है, तो आई इक्वल टू क्या होगा माइनस पाई फिर जीरो माइनस वन, तो माइनस पाई फिर माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इक्वल टू क्या होगा मेरा पाई आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें वही कम करना है जैसे हम क्या कर सकते पहले इन दोनों को जोड़ करके जीरो प्लस कुछ भी हो यहाँ पर उसको जोड़ करके हमें एक्स में क्या करते थे मतलब इन इसको जोड़ करके इसमें माइनस कर देते एक्स को, ठीक है। फिर यहाँ भी वही कम करेंगे फोर प्लस फाइव कितना होगा नाइन, तो नाइन माइनस एक्स करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं प्रॉपर्टी, और वो मेरा प्रॉपर्टीज कौन था ए से बी था एफ एक्स और यहाँ पर डी एक्स था, तो इसको जो यहाँ से ए से बी लिखते थे ए प्लस बी ए प्लस बी करके क्या करते थे माइनस इसमें एक्स करते थे, यानी कि ए प्लस बी में माइनस एक्स करते थे, उसी तरह से हम यहाँ करेंगे फोर प्लस फाइव में माइनस एक्स करेंगे, इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रॉपर्टीज का, तो आई इक्वल टू मेरा क्या होगा फोर से फाइव अंडर रूट फाइव प्लस फोर नाइन माइनस एक्स फिर माइनस फोर है यहाँ पर, फिर देखिए नाइन माइनस एक्स फिर माइनस फोर प्लस फाइव है यहाँ पर माइनस में है और नाइन माइनस क्या होगा एक्स और यहाँ पर डी एक्स है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको लिख लीजिए एक बार नाइन माइनस फोर क्या होगा फाइव, तो फाइव माइनस एक्स, ठीक है। ये भी क्या होगा नाइन माइनस फोर तो फाइव, फिर फाइव माइनस एक्स उसके फिर यहाँ प्लस है प्लस दिए, तो यहाँ पर इसके नीचे में है
देखिए, 5 माइनस 9, ये माइनस आएगा यहाँ पर तो माइनस 9 होगा, तो 5 माइनस क्या होगा 9, तो 4। फिर ये माइनस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, तो 4 प्लस, देखिए यहाँ पर 5 माइनस 9 है तो ये माइनस में आएगा ना, क्योंकि ये माइनस वाला साइन जो इसका बड़ा है, तो -9 + 5 -4। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x-4 लिख सकते हैं इसको, x-4 और यहाँ पर dx। अब इस दोनों में एक क्वेश्चन, ये मैं दूसरा एक क्वेश्चन, सॉरी ये दूसरा और ये पहला और ये दूसरा, इसको क्या करते हैं दोनों, ऐड कर देते हैं, ऐड। देखिए i प्लस i क्या होगा, 2i होगा, और मैं कहाँ से कहाँ, 4 से 5 रूट एक्स माइनस 4 बाई रूट एक्स माइनस 4 प्लस 5 फिर 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स बाई रूट 5 माइनस एक्स फिर प्लस एक्स माइनस 4। और यहाँ पर dx लगेगा, एलसीएम लेंगे इसका, 4 से 5 होगा ये, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा इसका, रूट एक्स माइनस 4 प्लस रूट 5 माइनस एक्स रूट एक्स माइनस 4 प्लस 5 माइनस एक्स। ऊपर में भी सेम आ जाएगा क्योंकि समान है एलसीएम, लाइक फ्रैक्शन है ये, तो एक्स माइनस 4 प्लस 5 माइनस एक्स और यहाँ पर dx है, और ये दोनों समान है, कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो 2i 4 से 5 dx, 2i इसका dx इंटीग्रेशन क्या होगा x, और 4 से 5 अपर लिमिट माइनस लोअर में, तो 5 माइनस 4 1, या 5 माइनस 4 लिख लीजिए, 2i इक्वल टू क्या होता है 1, तो i बराबर 1/2, नोट कर लीजिए इसको। देखिए थोड़ा इसको समझ लीजिए, ये खुद से आपने सॉल्व कीजिएगा, तो इसे वही कम करना है, 2 + 7 क्या होगा 9, तो 9 - x करना है, मतलब इन दोनों को जोड़ करके माइनस उसमें x करना है, ठीक है, दिस 2 + 7 कितना 9, तो 9 - x 9 - x फिर 9 है, फिर माइनस वाला देंगे, फिर कोस देंगे यहाँ पर, तो 9 - x करेंगे, ठीक है, उस तरह से हमको सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर देखिए 5/6 से क्या है, 5/3 है, यानी क्या 30 से 60 है, तो इन दोनों को हमको ऐड करना है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, 5/6 + 5/3, इन दोनों को ऐड करने के बाद 5/2 आएगा, ठीक है, यानी कि 90। फिर इसमें क्या करना है, साइन 90° - θ, यानी साइन 90° - x, कॉस 90° - x, फिर साइन 90° - x, इस तरह से, ठीक है। सो इसको सॉल्व कीजिए, और हम जितना बताए हैं उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए, और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो उसको प्रेस लाइक बटन एंड कमिंग टू माय बैक वीडियोज और सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।